ये नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स, किस तरह हम इनको कंजर्व करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। लॉन्च्ड वेरियस पॉलिसीज मेथड्स भी लॉन्च किए हैं, उसके बाद और रूल्स भी बनाए हैं ताकि हम इन वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्टर्स को कंजर्व कर सकें। इसमें इन्होंने स्टिप्स रखे हैं, पहला है सेंचुरीज, सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सभी, सबसे पहले मैं आपको सेंचुरीज की बात बताऊं। सेंचुरीज इज ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे एनिमल्स वो अपने हैबिटेट में सेफ रहते हैं और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस उनमें नहीं होती है। इनमें बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे लिमिटेड हो जाती हैं। और नेशनल पार्क्स उसके बाद आ जाता है, नेशनल पार्क्स जैसे एक बंडीपोर नेशनल पार्क बनाई है कर्नाटका में, नेशनल पार्क इन कर्नाटका। तो ये इस तरह एनिमल्स को, नेशनल पार्क भी एक प्लेस है जहाँ पे ये फ्रीली अपने हैबिटेट को और नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमल्स। तो उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन ट्राइब्स जो हैं उनको भी कंजर्व किया जाता है। ये भी एक जगह, एक प्लेस होती है, इसमें वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा कंजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये सब हैबिटेट या प्लेस भी आप कह सकते हो। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेचरली अकरिंग, यहाँ पे ये इसको रिजर्व किया जाता है एनिमल्स को और इनको सीटेबल कंडीशन दी जाती है। सीटेबल कंडीशन तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने बेन की हैं, जैसे हंटिंग, हंटिंग बेन है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पोचिंग बेन है, कैप्चरिंग बेन है, कब्जा करना, शिकार करना या किसी जमीन को या उस जगह को कैप्चर कर लेना, तो ये सभी चीजें प्रोहिबिटेड हैं यहाँ पे। उसके बाद कंजर्वेशन में एक और चीज आती है जिस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स, दरख्तों को, ट्रीज को कंजर्व करने के लिए हमारा एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसे हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन जो है दोबारा जंगल को लगाना, न्यू प्लांटिंग भी इसको हम कहते हैं, न्यू प्लांटिंग भी कहते हैं या रिस्टॉकिंग ऑफ ट्रीज ये भी कह सकते हैं, रिस्टॉकिंग। इसमें फोर स्टेप्स हैं, चार स्टेप हैं। एक है न्यू प्लांटिंग ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। दूसरा है न्यू प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जो जो दरख्त आपको मिलते हैं आप लगाते जाओ, रिफॉरेस्टेशन करनी है हमें। तीसरा है, एक और चीज होती है इसमें, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन ये कुदरती होता है। आपने देखा होगा कोई दरख्त है किसी की, हवा चलती है उसका बीच निकलता है
फिर दूसरी जगह जाके गिरता है, वहाँ पे न्यू प्लांट वहाँ पे जन्म लेता है, तो नेचुरल फिर रिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है। और चौथा है फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्ट, इसमें भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसमें कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है, किसको, ट्रीज को, प्रिजर्व एंड कंजर्व ऑफ ट्रीज। तो इस चीज यहां से हम ये रिफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमें जंगल को बचाना है या दरख्तों को बचाना है तो एक चीज और है, वो क्या है कि सेविंग पेपर। ये स्टूडेंट्स ज्यादा कर सकते हैं, या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जैसे पेपर्स को बचा सकते हैं। ये कहा गया है कि 1 टन पेपर जो है ये 7 फुल ट्रीज को इस्तेमाल करते हैं, 7 दरख्त लगते हैं 1 टन पेपर बनाने में। तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं, पेपर को रीयूज पेपर और रिसाइकल पेपर। आप 5 to 7 times पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भी दरख्तों को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो लास्ट पे जो एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे, वो मैंने खासकर अपने स्कूल के बच्चों को असाइनमेंट्स दी हुई हैं, उसके साथ एक्सरसाइज जो है वो मैंने हल करके दी हुई है। तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो हम आपके साथ हैं। तो लास्ट में एक स्लोगन इसी ट्रीज के हवाले से यहाँ पे मैं लिखूंगा और उसी के साथ क्लोज करूंगा इस लेसन को। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो स्लोगन है वो है, इफ यू कट ए ट्रीज यू किल ए लाइफ, इफ यू सेव ए ट्री यू इफ यू सेव ए ट्री यू सेव ए लाइफ, एंड इफ यू प्लांट ए ट्री यू प्लांट ए लाइफ। तो इसी स्लोगन के साथ आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंक्लूड हो गया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे। तो आप घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। तो बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज।